नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। पिछले 17 सालों से यूपी की राजधानी में होने वाली शादियों में नाचने वाली एक किन्नर अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। इसके लिए उसने इग्नू में एडमिशन लिया है। इनकी चाहत है नाच गाना छोड़कर नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना। किन्नर सुधा बताती है कि मैं बिहार के सीवान की रहने वाली हूँ। मेरे पापा अमरनाथ आर्मी में जनरल थे। हम 5 भाई बहन थे। बहनों में मैं दूसरे नंबर पर थी। माँ की मौत हो चुकी है। दोनों भाई दिल्ली में जॉब करते हैं और बहनें मैरिड हैं। मैं तब 6वीं में थी जब मुझे लगा कि मैं अपने क्लासमेट से अलग हूँ। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर देखकर लोग मजाक बनाते थे। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरी फैमिली को भी पब्लिकली ताने दिए जाते थे, तुम्हारी बेटी तो किन्नर जैसी है, इसे नाचने गाने भेज दो। मैं घर आकर अकेले में घंटों रोती थी। भाई पापा तो बाहर वालों से लड़ाई भी कर लेते थे कि हमारी बेटी को ऐसे क्यों कह रहे हो। वो मुझे सपोर्ट करते थे, कभी मुझसे कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर भी मुझे बुरा लगता था। सुधा के मुताबिक मैं 14 साल की उम्र में घर से भागकर लखनऊ आ गई। तब मैं 10वीं की स्टूडेंट थी। मैं बड़ी हो रही थी और लोगों के ताने बढ़ रहे थे। मैंने सोचा कि मेरी वजह से फैमिली क्यों परेशान हो, इसलिए 1999 में ट्रेन पकड़कर लखनऊ आ गई। मैं चारबाग स्टेशन पर खड़ी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं। मैंने एक ऑटो वाले से शहर में किन्नरों के घर के बारे में पूछा तो वो मुझे शहादतगंज छोड़ गया। मेरी जेब में 100 रुपए थे। मैंने वहाँ पता पूछते हुए किन्नर समाज तक पहुँच गई, जहाँ मेरी मुलाकात अखाड़े के गुरु से हुई। सुधा किन्नर अखाड़ा में संध्या गुरु से मिली और उन्होंने खुशी खुशी उसे अपने साथ रख लिया। सुधा बताती है, उन्होंने मुझे माँ बाप का प्यार दिया। 17 साल से उनके साथ हूँ और आगे भी रहना चाहती हूँ। बस अब नाच गाना अच्छा नहीं लगता। वो रेलवे में नौकरी करना चाहती है, जिसके लिए इग्नू में एडमिशन लिया है। सुधा जीके, हिस्ट्री आदि सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़ती रहती हैं। वो रेलवे एग्जाम की तैयारी में जुटी हैं। उन्होंने बताया, पापा को छोड़कर सभी से बात होती है। पापा आज भी मेरे घर से भागने वाली बात से नाराज हैं।